हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। महाशिवरात्रि जी, आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपना जल का लोटा लेकर भगवान शिव के मंदिर जा रहा हूं और आप सभी लोगों को भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। जो भी वीडियो में आ चुका है तो भाई अपने भाई की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तो मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा थी। चले गोगो, जय शिव शंभू, चले जाओ, आप नंबर लगेगा आपका। अरे लियो, क्या कर रहे हैं भाई? शिव का भगत का व्रत है भाई। लियो, ए लियो, नियो, नियो, नियो। आज भाई मैंने बोले बाबा का व्रत कर रखा है और मेरा दादा भी व्रती रहा करता बहुत पहले। आप व्रती रहा करते बाबा? खूब हर एक मंगलवार आसाम में जानते हैं छुट्टी के स्कूल लाइफ तक हर मंगलवार को व्रत। अच्छा, मेरा दादा तगड़ा भगत हुआ करता, बोले बाबा का बबन मान का आसाम से जाने से मैं मंगलवार के व्रत छोड़ दी। आगे आगे मैं रहना पड़ा और 10 साल तुम्हें खा दिया और बेच लिया तो नहीं। सही बात, पितर हो लो राम बरसा बरसन को दें दे भीतर बिक जाओ, केवरा बादल ने दिख जा, चौंधा लाइक जा है इसका। ए रुजो, इस पर ठंडा ठंडा पानी लगा दूं, गर्म हो जाए अब इस बीच में। गोगो भी अपने स्कूल से आ चुका है भाई, वो भी व्रत रख रखा है उसने भी। देखो भाई, ये मेरा पुराना घर है हमारा, अरे इसमें है ना हमने भट्टी बना रखी थी। अच्छा, पहले वाले घर में मतलब अगर उमस को नहीं आया कर दिया ना, आठ दे गैस लिकड़ी जाती आदमिया की भाई। अरे यहाँ चिमनी बना रखी है तो हमने दिखा क्या हूँ इसकी कड़ते लिकड़िया कर दी। चलो गोगो भी आज वर्ती है भाई। क्या था है बोले वर्ती है, ये देखो वो जो पाइप है ना भाई, आड़ तो आया करता जो हमने दूध चढ़ा रखा कटोनी था। ये देख लो भाई, ये ना अंदर से सुराख है इसमें, वो जो नीचे सुराख दिखाया था ना वो यहाँ से अंदर वाली हवा बाहर निकल जाया करती आड़ते। अभी आपको एक अमेजिंग चीज दिखाएंगे, ये पाइप देख सकते हो पुराने घर का। देखो यार, यो पाइप है ना भाई, हाँ दिखा, यो पाइप है ना, हमने नीचे घेर दिया। ये देखो नीचे पाओ गए, पाइप आया नीचे, ये देखो भाई वही पाइप हमने ऊपर से घेरा था, ये देख लो नीचे आ गया। सही है ना भाई? पहले वाले मिस्त्री बड़ी टेक्निक लगाया करते लेकिन अब तो कुछ भी नहीं रहा। लेंटर घेरा है जिदे तो मकान जिदे तेरेड़ खा जाए हैं। और अरे एक और चीज दिखाते हैं इनको, हाँ अमरेंद्र बाहुबलिया तलवार में आने में से निकलते हुए, ये देखो हमारी तलवार। बाहुबली वीरों के वीर कभी डरते नहीं, सैनिकों के जवान कभी मरते नहीं। तलवार चला देंगे, मारकाट मचा देंगे। अभी शाम को हो चुकी है भाई, बारिश का मौसम, चारों तरफ से बादल आ रहे हैं। और आज हमारा भोलेनाथ का व्रत था, आज महाशिवरात्रि थी सावन महीने की, और आज 10वां दिन है सावन महीने का। तारा भाई व्रत किया था आज तारे भाई ने, और भाई 3 से 4 दिन तक मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया था। मैं सोच रहा था एक नए चैनल के ऊपर करूँगा लेकिन नए चैनल के ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिखा यार, 1 से 2 व्यू भी नहीं आए, तो अब क्या करें। तो फिलहाल तो अभी बारिश का मौसम हो चुका है, देख लो मेरे ऊपर बिल्कुल बारिश आएगी। अब मेन चैनल पे ही व्लॉग अपलोड किया करूँगा क्योंकि 100 से 150 व्यू तो आते थे कम से कम, लेकिन नए चैनल पे कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं यार कंटेंट में दम नहीं है, फिर क्या दिक्कत है समझ नहीं आ रहा मेरे को। फिलहाल बारिश आने वाली है, अभी हम जा रहे हैं। मैं क्या बताऊँ, मेरे को पता अम्बे यार पेंसिल हो रही साइकिल इस पर गिर जाएगी ना, बता भाई साइकिल भी साइकिल साइकिल इसने साक्षी ने भी साइकिल ठा ली भाई, मम्मी साक्षी ने कहा हाँ कोई चक्कर नहीं भाई चलो।
हम लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ चुके हैं भाई। अभी हम ग्राउंड में जाएंगे भाई। अभी हम सभी लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस किया भाई, आज हमारा वर्क था इसलिए थोड़ी कम ही किया, क्योंकि पेट में लग चुकी है भूख और घर पे भी खाना बन चुका है। आज वर्थ का खाना अलग बनता है, समकिए बनते हैं हरियाणा में, जो कि बहुत ही अच्छा होता है खाने में, मतलब हल्का खाना। गोगो ने भी आज थोड़ा सा वर्कआउट किया भाई, वर्ती है भाई, हम सभी वर्ती थे। तगड़ा कौन है? तगड़ा तूने वर्क किया क्या आज? नहीं, डेथ हो रखी थी किसी की, इसलिए नहीं किया। तगड़ा रीजन है तो ठीक है भाई। ये खड़ी हमारी मेटाडोर, चल भाई स्टार्ट कर, स्टार्ट कर जोन डियर को, स्टार्ट करता हूँ आइसर को। आ जा भाई आइसर, भाई ये पानी तो हम रास्ते में पियेंगे या फिर घर पे पियेंगे, क्यों भाई? पीना पड़ेगा। चलो भाई गड्डी, चलो चलने दो गड्डी को। ये है हमारा व्रत का खाना, इसको कहा जाता है सामक, इसके अंदर घी डाल रखा है और ये आलू की सब्जी क्या टेस्टी बनती है भाई, और रायता, बस ये ही खाने को मिलेगा। और फिर आज मेरा व्रत जो शाम को खाते हैं, एक टाइम खाते हैं शिव जी के व्रत के दिन, तो ये हमारा खाना है भाई। अब इसको खाते हैं एक बार और फिर अपने बंदरों की सेवा करने पहुंचेंगे अपने दोस्त के पास, ठीक है।